तो क्या हाल चाल है भाई लोग, आज जो वॉच आ रखी है वो है पल्स 3। अब ये स्मार्ट वॉच जो है हर साल की तरह अपग्रेड हुई है, मतलब पल्स 2 पल्स 1 तो हमने ऑलरेडी देख रखी है जो हर साल लॉन्च करते हैं, तो इस साल पल्स 3 आई है और क्या क्या चेंजेस ब्रॉड करें उसको लेके हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वॉच दिखने में तो काफी हद तक वैसी नजर आएगी जैसे को पुरानी वाली है, बट कुछ अपडेट्स करें तो वो फर्दर डिस्कस करेंगे वीडियो में। बट उससे पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, कंटेंट अच्छा लगे भाई का तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि हमारा जो प्यार है मोहब्बत है आगे भी इस तरीके से बनी रहे। रॉयल डब्बा खोलते हैं, डब्बे आपको देखने को मिलती है मस्त ब्रांडिंग वगैरह, और ब्रांडिंग के साथ आपको दे रखे कुछ की हाईलाइट्स कंटेंट पैकेज पे। अंदर बात करें हम लोग यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक मैनुअल, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक साल का वारंटी कार्ड मिल जाएगा, एक आपको मिल जाएगा वो स्टीकर वाला कार्ड, और मिल जाएगी आपकी चार्जिंग केबल पोको पिन वाले। अब बात करें सीधे वॉच को लेकर, तो मेरे पास यहाँ पे दो कलर आ रखे हैं, ये एक तो फुल ब्लैक वाला जो रेगुलर सबके हाथ में पहनने में अच्छा लगता है, एक ये पिंक कलर वाला कलर है जो वुमेन्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है कहीं ना कहीं। तो कलर्स दिखने में दोनों अच्छे लग रहे हैं, और अगर आप चॉइस करना चाहते हो अपने हिसाब से तो कलर का चॉइस तो आपके ऊपर है डेफिनेटली। बट बात करते हैं तो हमें फिजिकली वॉच को लेके, तो डिज़ाइन के मामले में लास्ट जो वॉचेस आई हैं वैसी ही वॉच है, बट यहाँ पर एक मेजर अपडेट करा है डिस्प्ले में, जो बेजल्स वगैरह पहले दिखते थे वो यहाँ पे कम कर दिए गए, मतलब मोर डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है और लेस बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये एक बड़ा मेजर अपडेट कर रखा है इन्होंने। बाकी आपको वही पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है, नीचे आपको सेंसर वगैरह दे रखे हैं इन्होंने, 22mm के आपको स्ट्रैप प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि चेंज करने के लिए आपको इजीली पिन वाला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। बट इस बार जो स्ट्रैप दे रखे इसमें हल्का सा इन्होंने पैटर्न थोड़ा सा ऐड करा, थोड़ा टेक्सचर ऐड करा जो कि डिफरेंट कहीं ना कहीं लुक मिल सके। बाकी अगर इन हैंड फील की बात करूं मैं तो हाथ पे काफ़ी अच्छी लगती है वॉच, और अगर जिनका थिन रिस्ट है ना उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बाकी ब्रॉड रिस्ट वालों के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी क्योंकि डायल साइज मेजरली थोड़ा सा बड़ा है कहीं ना कहीं। बाकी अगर बात करूं यहाँ पे कर्व्ड ग्लास आपको टॉप पे दे रखा है इन्होंने, एक सिंगल आपको बटन दे रखा है ऑपरेट करने के लिए, तो बिल्ट और डिजाइन के मामले में तो वॉच काफी सही साइड मिल जाती है आपको, बट डिस्प्ले जो है वो कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करता है। तो ये है 1.96 इंच का डिस्प्ले जो कि आपको थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट और कलर्स काफी अच्छे हैं इसमें, और ब्राइटनेस जो है वो आपको मेजर इंप्रूव देखने को मिलेगी, 550 निट्स की ब्राइटनेस इन्होंने यूज कर रखी है। और जैसा कि मैंने कहा था ना कि इसमें जो डिस्प्ले का जो रेशियो है यहाँ पर उन्होंने 14% जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो आपके थोड़े से बेहतर कर दिए हैं, और सेकंड जो यहाँ पे बेजल्स हैं वो 70% डिक्रीज कर दिए हैं, तो ये एक मेजर अपडेट यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डिस्प्ले का देखने को मिलेगा। और ब्राइटनेस जो 550 निट्स की वो कहीं ना कहीं आपको बढ़िया मिल जाती है, और अच्छा ब्राइट इनफ है, अगर आप वोटर में भी यूज करोगे तो ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगी, और देख सकते हो कि डिस्प्ले काफी जो है वाइड और विविड आपको देखने को मिलता है। अब रही बात, काफी लोगों के सवाल ये भी आता है ना कि ऑलवेज ऑन मोड या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली चीज होगी, तो वो चीज नहीं है, बट ये है कि वेग गेस्चर आपको दे रखा है तो ट्विस्टर करने पर डिस्प्ले जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो जाता है। सवाल आता है देखो बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर वॉच में, तो अप टू 7 डेज कंपनी का क्लेम है, बट अगर आप इसको रेगुलर यूज करने वाले विद कॉलिंग फंक्शन तो मैक्स टू मैक्स 2 डेज परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर कॉलिंग फंक्शन नहीं यूज करने वाले हो तो 3 से 4 दिन का बैटरी परफॉर्मेंस आपको वॉच देती है। वाटर रेटिंग बढ़िया कर रखी है इन्होंने यहाँ पे, जो कि मैं पर्सनली इंप्रेस हुआ क्योंकि आइजिंग कम है और IP68 रेटिंग मिल जाना एक अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि स्विमिंग पूल वगैरह में जा रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप टेंशन फ्री होकर स्विमिंग पूल में कूद सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं मेजर अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेंसर्स की बात करूँ तो सेंसर आपको वही नॉइस के 3 एसेंशियल सेंसर मिल जाएंगे आपका, SPO2 HR और एक्सीलरेटर सेंसर, तो वहाँ पर कोई खास चेंजेस या अपडेट या डिफरेंट देखने को नहीं मिलेंगे आपको। बट UI एक मेजर रोल प्ले करती है जब भी हम लोग वॉच को यूज़ करते हैं, तो अब इन्होंने जो UI है इस वाली जो बजट सेगमेंट वाली वॉचेज हैं इनमें भी नॉइस की जो रेगुलर प्रीमियम वाली वॉचेस में जो UI आती है वो यूज करना शुरू कर दिए। टॉप सेवे पे आपको सारे नोटिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, नीचे सेवे करने पे आपको सारे टॉगल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस बढ़ाना है, D&D मोड में स्विच करना है या पावर सेविंग ऑन करना है। साइड सर्व करने में तो वही आपके जो भी टॉगल्स हैं, जो सेटिंग्स आपकी हैं, HR रीडिंग्स हो गए, स्ट्रेस मॉनिटरिंग वगैरह हो गई, वो देखने को मिल जाएगी। अदर साइड से करने पे आपको सीधे डायरेक्ट एक्टिविटी वाला पैनल या फिर वही जो रिपीट आपका फंक्शंस है वो देखने को मिल जाएंगे। सेंटर टच पे जो है यहाँ पर आपको वॉच फेस दे रखे हैं, तीन वॉच फेसेस में आप जो है स्विच कर सकते हो, बाकी ऐड करने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है वहाँ से ऐड कर सकते हो, और बटन दबाओगे तो बटन से आपका जो है मेन्यू ऑप्शन हो जाए ओपन हो जाएगा जिसमें आप सारे जो फंक्शंस हैं वो देख सकते हो। तो ऐसा जो UI में दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथ वर्क कर रही है और नई वाली UI यूज़ कर रही है तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपका अच्छा ही रहेगा। बट सवाल उठ के आया था देखो यहाँ पे फीचर्स को लेके, तो कॉलिंग वाला फीचर्स तो आजकल बड़ा कॉमन हो गया, वॉच में मिलता ही मिलता है, इसमें भी आपको मिल जाता है, बट नॉइस का एक चीज़ जो बेहतर है कि कॉलिंग के टाइम पर आपको सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, अदर वॉचेस थोड़ा सा यहाँ पे मात खा जाती है। तो नॉइस का पर्सनली मुझे ये जो ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फंक्शन है कहीं ना कहीं अदर ब्रांड्स के मुकाबले सही लगता है। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेके, तो परफॉर्मेंस के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे, बट उससे पहले इसमें जो फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि फेवरेट कॉन्टेक्ट्स, डायल पैड और आपका कॉल हिस्ट्री जो कॉमन है वही फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब एक क्विक टेस्ट कर लेते हैं कि माइक्रोफोन की परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो आ रही वॉच के माइक्रोफोन से, परफॉर्मेंस वॉच देखिए जब भी आप इसको कॉलिंग पे।
अब एक्टिविटी वाले लोगों के लिए यहाँ पर आपको 100 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो आप बढ़िया से यहाँ पे एक्टिविटी को ऑन कर सकते हो। जिम में हो तो भी आप इसको ऑन कर लो, क्योंकि वर्कआउट के टाइम में आपको प्रॉपर मालूम पड़ेगा कि आपने कितने टाइम में कितनी कैलोरीज बर्न कर रखी है। और हेल्थ ट्रैक करने के लिए कहीं ना कहीं ये मोड्स अच्छे होते हैं, तो यूज कर सकते हो आप डेफिनेटली। बाकी आपको वही हेल्थ पर्सपेक्टिव वाली चीजें मिल जाएंगी, आपको कितना मोशन किया, कितने स्टेप्स चले, तो वो आप रीड कर सकते हो। SPO2 HR वाली रीडिंग्स की बात करें तो वो भी आपको मिल जाएगी, और क्लोज टू क्लोज कहीं ना कहीं मिल जाती है। बट सजेशन मेरा हमेशा से यही रहा है कि अगर आपकी हेल्थ को लेकर आपको कंसर्न है ना, तो प्लीज आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स पे रिलाय करें, क्योंकि वॉचेस वगैरह जो होती है आपको सिर्फ टेंटेटिव आइडिया देने के लिए कहीं ना कहीं बनी है। अब रही बात स्लीप मॉनिटरिंग को लेकर, तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और साथ में जो ब्रीथ टेकिंग वाली एक्सरसाइज होती है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कर रखी है। तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से तो सारी चीजें हमें फुलफिल्ड है, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि रिमाइंडर्स वगैरह आपको सेट करना, तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। म्यूजिक कंट्रोल करना है जैसे जिम में हो, ट्रैक्स वगैरह चेंज करना हो आपके ईयरबड्स वगैरह के, तो आप इजीली जो है वॉच के थ्रू वो चीज कर पाओगे। अब इवन आपको यहाँ पर जो है इन्होंने कैलकुलेटर वाली चीज प्रोवाइड कर दी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि आप आज के टाइम में ऑन गो अगर कुछ भी चीजें कैलकुलेट करनी है तो आप इजीली जो है वॉच पे वो चीज कर सकते हो। साथ ही में आपको मिल जाएगी यहाँ पे वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह, जो कि आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। कनेक्ट करने के बाद आपको सारी जो वेदर इन्फॉर्मेशन है आने वाले एक हफ्ते तक की जो भी वेदर रिपोर्ट्स है वो आप वॉच पे ही देख सकते हो। बाकी तो वही आपके फ्लैश लाइट वाला ऑप्शन आपको हमें मिल जाता है। सेटिंग्स में जाओगे तो हमें ब्राइटनेस सेट करना है, रिंगटोन वाइब्रेशन अगर आपको चेंज करनी है तो वो आप यहाँ पे सेट या चेंज कर सकते हो। रिस्ट वेक जो मतलब अपना वेक गेस्चर होता है उसको ऑन ऑफ करना है तो वो कर सकते हो। स्क्रीन टाइमिंग बढ़ानी है तो वो कर पाओगे। मेन्यू के व्यू में आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो ग्रिड व्यू हो जाता है और दूसरा एक लिस्ट व्यू हो जाता है, तो वो आप कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे खास बात आपको जो नोटिस करने को मिलेगी वो है ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन। अब जैसे आप जिम में हैं और अगर आप कार्डियो कर रहे हैं और ट्रेडमिल पे दौड़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप मोशन में हो और आप रनिंग जैसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको चीज मिल जाती है, और ये सिर्फ तीन एक्टिविटी में ही करेगा। आपका जो रनिंग है आउटडोर रनिंग होगी, इंडोर होगी, और साथ में आपको ट्रेडमिल वगैरह पे करने पे ही ये चीजें ट्रैक करती हैं। सारे फंक्शन आपके ये ऑटोमेटिक ट्रैक नहीं कर पाएगा। अब रही बात बाकी चीजों को लेके, तो वही पावर ऑफ शटडाउन और चीजें मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। और इसमें क्लॉक वाली चीज में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एक वर्ल्ड क्लॉक वाला ऑप्शन भी इन्होंने ऐड कर रखा है, तो आप दुनिया भर की क्लॉक्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अलार्म टाइमर और स्मार्ट वॉच जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। तो ऐसे आपको फीचर्स के मामले में यहाँ पर जो बेसिक रिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो सारे मिल जाते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई डिफरेंट फीचर यहाँ पे वॉच में इन्होंने ऐड नहीं कर रखा बेसिकली। बाकी हाँ, आप जैसे एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन पे नजर डालोगे तो आपको नॉइस फिट की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वही देखने को मिलेगी। फ्रंट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके वॉच सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे वॉच फेसेस के आपको ढेर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से खुद के वॉच फेस लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। डाउनलोड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आपको दूसरे और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एप्लीकेशन में, जैसे कि रिमाइंडर्स हैं, अलर्ट्स हैं, तो वो आपको ऑन करना पड़ेंगे एप्लीकेशन से, तो आपको डायरेक्ट वॉच पे ही एक्सेस मिल जाता है। अब आ जाते हैं वॉच पे यहाँ पे कंक्लूजन को लेकर, क्योंकि प्राइसिंग जो है इसकी लॉन्च रखी है 1800 रुपीज, यानी कि 1800 रुपए की प्राइसिंग पे ये वॉच लॉन्च हो रही है। आफ्टर सेल यानी कि एक दो दिन बाद जो प्राइसिंग है वो बढ़ के 2200 रुपए हो जाएगी। तो अब 1800 रुपए के प्राइस पॉइंट पे वॉच कितनी इंटरेस्टिंग है, तो यार कॉलिंग अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और एक बड़ा डिस्प्ले तो आप इस वॉच के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। मतलब सजेशन है मेरा कि अगर आपको 2000 रुपए के अंदर कोई स्मार्ट वॉच चाहिए तो इस वाली वॉच के लिए आप बिग डिस्प्ले प्लस ब्लूटूथ कॉलिंग वाली फंक्शन के लिए जा सकते हो। बाकी अगर आपके और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि डिजाइन आपको थोड़ी सी और स्टाइलिश चाहिए अपीयरेंस वाइज, तो फिर आपके लिए और भी अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। बट दो मेजर पर्पस कॉलिंग और डिस्प्ले के साथ अगर जाना चाह रहे हो तो ये वाली वॉच आपके लिए अच्छी है, और इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ज्यादा तो बस भाई के लिए इतना करना है आपको कि आपको एक वीडियो को लाइक कर देना है, एक अच्छा सा प्यारा वाला आपको कमेंट कर देना है, और बस बाकी फिर तो मुलाकात हम लोग जल्द करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सिटून रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।